हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लेके आए हैं बहुत ही यम्मी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, गार्लिक चीज़ फोकाशिया ब्रेड की। ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यम्मी बनती है और बिगनर्स के लिए बहुत ही इजी रेसिपी है, तो इसलिए आप ज़रूर उसको ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर हमने लिया है 3/4 कप वार्म वाटर। हमें ध्यान रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बट ल्यूकवार्म रहना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पर डाला है 2 टीस्पून शुगर। शुगर मैंने ग्रैनुलेटेड ही लिया है। और उसके बाद हमने यहाँ पर इंस्टेंट राइस लिया। इंस्टेंट राइस मैंने ब्लू बर्ड कंपनी का लिया है। इसके अंदर 2 पैकेट्स होते हैं, तो हमने यहाँ पे 1 पैकेट पूरा लिया है। और उसके अंदर हम बाउल में डाल देंगे वार्म वाटर और शुगर सॉल्यूशन में, उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसमें डाला है अराउंड 2 कप्स ऑल पर्पज फ्लावर यानी मैदा। मैदा डालने के बाद हमने इसमें एक और इंग्रेडिएंट ऐड किया है, मिल्क पाउडर का। मिल्क पाउडर हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून के अराउंड लिया है और उसको हम इसी ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डाल देंगे। और साथ साथ में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल भी लिया है। ऑयल आप कोई सा भी ले सके, बस ध्यान रखिए इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स या ओडर ना हो। इसके बाद हमने 1/2 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मिक्सड हर्ब्स लिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद हम इसको नीड करेंगे। नीड करने के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा स्टिकी डो होता है, बट इवेंचुअली एक डो फॉर्म में आ जाता है, सो डोंट वरी। और बहुत ज़्यादा टेम्प्ट नहीं हो कि इसके अंदर हम ऑल पर्पस फ्लावर और ऐड करें या फिर कुछ और उसके अंदर ऐड करें। सो जस्ट कीप नीडिंग एंड इवेंचुअली ये एक डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारा जब डो बन जाएगा तो हम इसको अप्लाई करेंगे ऑयल थोड़ा सा ऊपर से, और क्लिंज रैप में हम इसको कवर कर देंगे और एक कोई वार्म और डार्क प्लेस में रख देंगे ताकि ये राइस होके डबल क्वान्टिटी में हो जाए। तो यहाँ पे मैंने क्लिंच रैप लगा दिया है और इसको मैं रेस्ट करने के लिए भी रख दूंगी। सो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से राइस हो चुका है और ऑलमोस्ट डबल द वॉल्यूम राइस हो चुका है। अब हम इसको क्लिंच रैप को निकाल देंगे और उसको थोड़ा सा डिफ्लेट कर देंगे। डिफ्लेट करने के बाद हम इसको गैदर करेंगे और एक बेकिंग ट्रे में जिसमें हम बेक करने वाले हैं उसमें हम निकाल लेंगे। और इसको हमने बेक करना है 180 डिग्रीज पे अराउंड 20 मिनट्स के लिए। 15 to 20 मिनट्स डिपेंड होता है आपकी टेम्परेचर सेटिंग्स कैसी है ओवन में। मुझे तो ये 20 मिनट्स लगा था पूरा बेक करने के लिए एट 180 डिग्रीज पे। तो आप थोड़ा आगे पीछे आपकी ओवन सेटिंग्स के हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डो को बेकिंग ट्रे पे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसको फिंगर से थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने के बाद हम इसमें जो डिप्रेशन फोकाशिया ब्रेड में रहते हैं वो हम क्रिएट करेंगे अपने फिंगर्स से। तो उसको स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद हमने उसको थोड़ा सा डेकोरेट किया है। डेकोरेट करने के लिए हमने यहाँ पे चॉप्ड पार्सली ली है, चॉप्ड पार्सली और कॉर्न लिया है और थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक। सबको अच्छी तरीके से हमने उसको डेकोरेट कर लिया है ऊपर से। डेकोरेट करने के बाद आप अपने बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं। फोकाशिया के बहुत सारे डिज़ाइंस आते हैं और बहुत सारा और देखने में बहुत प्यारा लगता है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बेसिक से डिज़ाइन दी है जो मुझे समझ आई। तो यहाँ पे चॉप्ड मैंने गार्लिक डाला है, थोड़ा सा कॉर्न डाल दिया ऊपर से, और क्योंकि हम ये चीज़ ही बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे ग्रेट करके बहुत सारा चीज़ डाला है। चीज़ के लिए आप बहुत जनरस हो सकते हो, आप अपने हिसाब से जितना भी चीज़ डालना चाहे तो डाल सकते हो, उतना ज़्यादा चीज़ी उतना ज़्यादा यमी होगा। मैंने यहाँ पे अमूल चीज़ को का इस्तेमाल किया है, तो और यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से मैंने ग्रेट कर लिया है। फिर हम इसको बेक कर लेंगे। बेक करने के बाद ये हमारा यमी फोकाशिया ब्रेड गार्लिक चीज़ी तैयार हो गया है। और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर मैं आपको वही वाला वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगी। सो सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।